तो हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ फैक्ट्स स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, और आपको ये भी पता होगा कि वो सूरत गुजरात में है, और ये स्टैचू इतना मजबूत है कि ये 6.5 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक को भी झेल सकता है, और तो और 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आने वाले हवा को भी ये आराम से झेल सकता है। ये स्टैचू 100 इयर्स के बाद जो अभी ब्रोंज कलर का है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा ड्यू टू नेचुरल एजिंग प्रोसेस। और ये स्टैचू बनाने का डेडलाइन था 43 मंथ्स, पर ये हो गया 33 मंथ्स पे। और जो सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है स्प्रिंग टेंपल बुद्ध स्टैचू जो कि चाइना में है, उसको 11 साल लगे थे। सो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू 3 इयर्स के अंदर रेडी हो गया था, पर सेकंड लार्जेस्ट को लगे थे 11 इयर्स। और इसको बनाया था राम भी सुतार जी ने, जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो पता ही होगा, और क्या आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 4 गुना बड़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी? ये मुझे तो नहीं पता था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट 182 मीटर है, पर 182 मीटर ही हाइट क्यों? मुझे पता है। तो बोलो। क्योंकि गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में भी 182 सीट्स ही हैं, इसीलिए इसका हाइट 182 मीटर रखा गया। इस स्टैचू को बाहर से ही नहीं अंदर से भी देखा जा सकता है। इसके अंदर 2 लिफ्ट लगाया गया है जो कि स्टैचू के दिल में बने गैलरी तक जाता है, जिससे टूरिस्ट सरदार पटेल बांध और नर्मदा वैली के खूबसूरत नजारे का आनंद उठा सकते हैं। और जानने से पहले एक और फैक्ट, वो ये है कि दुनिया का टॉप 10 टॉलेस्ट स्टैचू में से 8 तो बुद्ध जी के ही हैं। सो होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।